दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। बिजली की हाई टेंस तार के गिरने से 3 भैंसों की मौत, बेपरवाह जिम्मेदार। समाज सेवी इंद्रजीत भंडारी ने की ग्रामीणों की मदद। मामला ग्राम पंचायत माली मोहगांव के अंतर्गत बहेलिया टोला का है, जहां उर्मी बहेलिया एवं सोनू यादव सुबह 8 बजे रोजाना की तरह भैंस चराने जा रहे थे, मगर अचानक ही पेड़ के ऊपर खिंची विद्युत की तार लाइनें टूटकर भैंस के ऊपर गिर पड़ी, जिससे 3 भैंसों की घटना स्थल पर मौत हो गई। शुक्र है कि यह तारें उन 2 ग्रामीणों पर नहीं गिरी, नहीं तो घटना बड़ी हो सकती थी। इस घटना की सूचना गाँव वालों ने विद्युत विभाग को फोन करके बताया। कई घंटों के इंतजार के बाद विद्युत विभाग से लाइनमैन आकर तार को काटकर चला गया। उसके बाद कोई प्रशासन का जवाबदार अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। इस बात की जानकारी समाजसेवी इंद्रजीत भंडारी को दिया गया। इंद्रजीत भंडारी ने महाराजपुर पुलिस, राजस्व विभाग, बिटनरी, विद्युत विभाग सभी को सूचना देकर बताया। तब जाकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी आकर पंचनामा बनाए। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा। मेरा नाम उर्मिला है, पहली टोला रहने वाली हूँ। मेरी भैंस लाइट में गिरने के कारण मर गई है। 8:30 बजे का घटना हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। कितनी भैंस मर गई है? 3 भैंसी है, एक बच्चा है, 2 भैंसी है। बिजली विभाग का कोई आदमी आया, कर्मचारी आदि? कोई नहीं आया। भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।